नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको हरी धनिया को साल भर के लिए कैसे स्टोर करना है आसान तरीके से बताऊंगी कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे काम में ले सकते हैं। तो जैसे ये हरी धनिया इस समय बहुत सस्ती मिल जाती है, इतना ढेर देखिए 10 रुपये की ये धनिया मिल गई, इसे हम साल भर के लिए स्टोर करेंगे। ये धनिया देखिए, इस प्रकार से ताज़ी धनिया को हमें लेना है जो हम साल भर के लिए स्टोर करेंगे। जहाँ से ये गड्डी बंधी रहती है धनिया की, वहाँ से हम इसे चाकू से काट लेंगे इस तरह से। अब ये अलग हो गई है तो इसको हम इस तरह से हटा देंगे, इसकी रस्सी वगैरह जो लगी रहती है वो हटा देंगे। अब ये हो गया गाय का भोजन, इसको हम अलग कर देंगे और इस धनिया को हम अच्छे गहरे पानी से धो लेंगे। धनिया धोने के लिए हमने बहुत सारा पानी ले लिया है। इस पानी में हम धनिया को इस तरह से थोड़ा थोड़ा धनिया लेते हुए धो लेंगे और पूरा धनिया हमें 2 से 3 पानी में धोना है। 2 से 3 पानी में धोने से ये होगा धनिया अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगी। इस तरह के टब में, हम जाली वाले टब में पूरी धनिया को धोकर रख लेंगे। धनिया को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें जो कचरा था पूरा साफ कर लिया, मतलब धनिया आप सुखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। देखिए इसका पूरा कचरा हमने हटा दिया है। धनिया को हमें कैसे सुखाना है चलिए हम देख लेते हैं। धनिया को हमने अच्छी तरह से छन्नी से निचोड़ लिया है। अब हम धनिया को 2 तरह से सुखाएंगे। एक तो देखिए, ये धनिया को हमने एक कपड़ा है, ये साफ कपड़ा ले लिया, बिल्कुल पतला कपड़ा है, इसमें हम इस तरह से रख कर बांध देंगे, ऐसी पोटली बना लेंगे और इसको हम ड्राई कर देंगे वाशिंग मशीन में। और यदि आपको ड्राई नहीं करना वाशिंग मशीन में तो इसकी जगह आपको एक काटन का कपड़ा, जैसे चादर रहता है, नया चादर धुला हुआ लेना है और उसको उसमें धनिया को बांध के इस तरह से 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे लपेट के रख देना। इस काटन के कपड़े में इस टाइप से लपटा रहेगा तो पूरा जो धनिया का एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छी तरह से निकल जाएगा और उसके बाद हम धनिया को फैला देंगे। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, वाशिंग मशीन में ड्राई करेंगे। तो इसकी हम पोटली बना दे रहे हैं। पोटली बनाने के बाद इसे हम ड्राई कर देंगे। जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप धनिया का पूरा पानी निकाल लीजिए। वाशिंग मशीन में ड्राई करने के लिए इस तरह से पोटली बनाई जाती है। अब इसको हम वाशिंग मशीन में डाल देंगे और ड्रायर पर चालू कर देंगे। देखिए ड्रायर करने के बाद धनिया को हम खोल लेते हैं। देखिए पूरा इसका पानी निकल गया है। इस प्रकार से पूरी धुलने के बाद धनिया बिल्कुल इस तरह से हो गई है। अब इस धनिया को हम बारीक बारीक काट लेंगे और यदि जो मोटे डंठल यदि रहते हैं इस तरह से तो उनको हटाना है। इतने बारीक डंठल हैं इनको नहीं हटाना, इन डंठलों को नहीं हटाना। धनिया को हम इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरह से बारीक धनिया हम काट लेते हैं तो धनिया आसानी से एक दिन में अच्छे से सूख जाती है। इसी तरह से सारी धनिया को काट लेंगे। जितनी भी धनिया को हमें स्टोर करना रहेगा उस हिसाब से हम धनिया को काट लेंगे। जैसे हमने काट ली है सब धनिया को, अब इसको क्या है, हम धूप में सुखाना रहेगा या छाया में, पंखे की हवा में अभी इसे हम सुखा सकते हैं क्योंकि इसका पानी पूरा निकल चुका है। इस तरह से हम इसे अच्छा पतला पतला फैला देंगे। और यदि आप हवा में धूप में सुखा रहे हैं तो चाहें तो इस प्रकार से आप इसमें पतला कपड़ा भी डाल सकते हैं जिसमें धूल वगैरह नहीं लगे। धनिया सूख जाने के बाद फिर हम मिलते हैं। दोस्तों एक दिन में ये धनिया अच्छी तरह से सूख गई है। देखिए इससे अच्छी तरह से आवाज़ आने लगी। ये अब स्टोर करने के लिए धनिया बिल्कुल तैयार है। जब हम धनिया को सुखाने के बाद स्टोर करेंगे तो जैसे एयरटाइट डिब्बा रहता है इसमें हम स्टोर करेंगे तो सबसे पहले हम ये नैपकिन पेपर बिछा लेंगे, उसके बाद आधा डिब्बा हम धनिया को भरेंगे, उसके बाद फिर वापस से एक बार नैपकिन पेपर लगा लेंगे और फिर भरने के बाद फिर एक बार नैपकिन पेपर लगा लेंगे। इस प्रकार से हमें 3 बार नैपकिन पेपर लगाना है। भले एयरटाइट डिब्बा रहता है पर बारिश की नमी से जैसे हम डिब्बा को कभी खोलते हैं तो ऑटोमेटिक नमी उसमें चली आती है। तो ये नैपकिन पेपर लगाएंगे हम तो ये हमारी सेफ्टी रहेगी हरी धनिया की। दोस्तों इस प्रकार से आप भी हरी धनिया को ज़रूर स्टोर करके देखिए
ये तरीका बहुत ही अच्छा है, जब हमें ज़रूरत होती है हम हरी धनिया को काम में ले सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। नमस्कार, जय जिनेंद्र दोस्तों।